हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश है और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप अपने जावा प्रोग्राम को यूज़ करके कैसे कितनी आसानी से एक ईमेल को भेज सकते हैं। अब वो चाहे आप अपना गूगल का अकाउंट यूज़ कर रहे हो, चाहे अगर आपके पास एसएमटीपी सर्वर अगर आपने ख़रीद लिया है तो अपने खुद के डोमेन के ईमेल आईडी से अपने मैसेज को भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम जावा की मेल एपीआई को यूज़ करके और जावा की एक्टिवेशन फ्रेमवर्क को यूज़ करके हम अपने एक ईमेल को भेजेंगे। बट हम ये बहुत आसानी से समझाएंगे जिससे सभी लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने जीमेल के एसएमटीपी सर्वर को यूज़ करके हम अपने जीमेल की आईडी को यूज़ करके एक ईमेल भेजने वाले हैं। तो पहले हम स्टेप समझ लेते हैं ईमेल को कैसे भेजेंगे। सबसे पहले हमें सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और उस सेशन के ऑब्जेक्ट में हमें होस्ट नेम रखना होता है, यूज़र नेम रखना होता है, पासवर्ड, मतलब उस सर्वर की सारी कॉन्फ़िगरेशन रखनी होती है। अगर आपके पास एसएमटीपी सर्वर है तो उस सर्वर का होस्ट एड्रेस जिसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं, उसके बाद उसकी यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन रखनी होगी और उस सेशन में। उसके बाद हमें एक मैसेज कंपोज करना होगा और फिर उस मैसेज को भेजना होगा। तो यहाँ पे जावा मेल एपीआई के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं और इंटरफेसेस हैं इस ईमेल को सेंड करने के लिए। तो हम सबसे पहले सेशन क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद माई मैसेज, एक मैसेज क्रिएट करना होता है, मैसेज क्रिएट कर लेंगे, उसमें कंटेंट सेट कर देंगे, मैसेज का कंटेंट टाइप क्या होगा ये सारी चीज़ सेट कर देंगे। फिर ट्रांसपोर्ट क्लास की हेल्प से हम क्या करेंगे, मेल भेजेंगे। बट यहाँ पे हमने आपके लिए क्लास लिख के रखी है जिसमें सारे स्टेप्स परफॉर्म किए गए हैं। जो रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगी उनको सिर्फ सेट करना होगा और आपकी ईमेल चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी चाहिए होंगी हमें। बेसिकली दो लाइब्रेरी चाहिए होगी, एक एक्टिवेशन डॉट जार चाहिए होगी, एक मेल डॉट जार, ये दोनों फाइलें चाहिए होंगी। ये एक्टिवेशन डॉट जार जावा एक्टिवेशन फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी है और ये जावा मेल एपीआई की लाइब्रेरी है। आप जा सकते हैं वेबसाइट पे, इंटरनेट पे सर्च करके ये वाली फाइलें दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। हमने डेस्कटॉप पे वो सारी ऑलरेडी फाइलें डाउनलोड करके रखी हैं। होंगी एक मेल डॉट जार फाइल होगी, एक एक्टिवेशन डॉट जार फाइल होगी। तो हम इस लाइब्रेरी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये जिप फाइल है। जब हम अपनी लाइब्रेरी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसके अंदर हमें जार फाइल मिल जाएंगी। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, आप ईमेल लिप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक मेल एक्टिवेशन नाम का फोल्डर, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको तीनों लाइब्रेरी मिल जाएंगी। एक्चुअली यहाँ पे दो लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी हमारी टेक्स्ट ऑफ मेल डॉट जार, ये जो लाइब्रेरी है ये हमारी लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमने वो क्लास बना के रखी है जो अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो आप लोग भी ये तीनों लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और इस लाइब्रेरी को लगा के वो ईमेल को सेंड कर सकते हैं। लाइब्रेरी को लगा के आप मेल को सेंड कर सकते हैं बहुत ईजिली। एक्टिवेशन डॉट जार, मेल डॉट जार फाइल इंपॉर्टेंट है और जो हमने क्लास लिखी है आपके लिए वो टेक्स्ट ऑफ मेल डॉट जार फाइल में। तो मान लीजिए हम चलिए यहाँ पे नेटबीन्स पे चलते हैं और वो सारी लाइब्रेरीज को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड जार पे क्लिक करेंगे और अपने तीनों डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे मेल लिब में जाएंगे, ईमेल लिब में, और यहाँ पे मेल एक्टिवेशन में, और हम एक्टिवेशन डॉट जार, मेल डॉट जार, और यहाँ पे एक टेक्स्ट आउट मेल, यहाँ पे हमने पहले से क्लास लिख के रखी है और इसको क्लिक कर लेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी अब हम एक्टिवेशन डॉट जार को, जार के अंदर जितनी भी क्लासेस उनको यूज़ कर पाएंगे, मेल डॉट जार के अंदर जितनी क्लासेस उनको यूज़ कर पाएंगे और टेक्स्ट आउट मेल के अंदर जितनी क्लासेस हैं इनको भी हम लोग अपने क्लास में यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है, ईमेल सेंडर, और मेन मेथड बनाया और एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्सेप्शन आने वाली हैं। तो हमें मेल यूज़ करना है, जीमेल, तो हमें जीमेल की आईडी यूज़ करनी है। तो आने वाले हम ईमेल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, वो ईमेल क्लास हमने टेक्स्ट आउट मेल जार फाइल में रख दी थी। तो आप ईमेल इक्वल टू न्यू ईमेल, और यहाँ पे आपको दो पैरामीटर्स पास करने। सबसे पहला है जीमेल की आईडी, तो हम क्या करेंगे, जीमेल की आईडी पास कर देंगे। यहाँ आपकी जो आईडी आप पास करिए, मेरी आईडी है, मैं अपनी आईडी पास कर दे रहा हूँ @gmail.com। और उसके बाद आपको सेकेंड पैरामीटर में पास करना है पासवर्ड, अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड। तो हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे। आप क्या करते हैं, हम सबसे पहला स्टेप है, आप फ्रॉम सेट करिए किस आईडी से भेजना चाहते हैं। तो हम ईमेल डॉट सेट फ्रॉम करते हैं और यहाँ पे आपको अपनी फिर से आईडी डालनी है क्योंकि ये जो ईमेल है वो इस आईडी से जाएगा। और हमने कहा आपको एक टाइटल देना है अपनी कंपनी का या फिर अपनी ईमेल आईडी का, तो हम ऐसे बोल देते हैं टेक सॉफ्ट इंडिया। उसके बाद आपको सेट करना है यहाँ पे सब्जेक्ट का,
ईमेल डॉट सेट सब्जेक्ट, तो मैंने कहा दिस ईमेल इज फॉर टेस्टिंग, और फिर आपको सेट करना है कंटेंट, तो हमने कहा कि ईमेल ईमेल डॉट सेट कंटेंट, और आपको कंटेंट देना है, तो हम एक देते हैं एच वन में दिस इज कंटेंट, और अपने हेडिंग टैग बंद कर दें, क्योंकि जो हम कंटेंट भेजने वाले हैं वो एचटीएमएल का कंटेंट होगा। हमने कहा अब यहाँ पे दूसरे पैरामीटर पास करना आपको कंटेंट टाइप, तो हमने कहा टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसको सेंड करना है, ऐड रेसिपिएंट करेंगे, ऐड रेसिपिएंट, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे रेसिपिएंट का एड्रेस, तो हम जिसको भेजना है हम लोग डाल देते हैं टेक्स्ट ऑफ इंडिया 2018@gmail.com। आपको और भी रेसिपिएंट लिखने हैं तो आप दूसरा यहाँ पे ए मेथड, ये वाला मेथड फिर से कॉल कर लीजिएगा, दूसरा रेसिपिएंट डाल दीजिएगा। उसके बाद जब सारा होने के बाद आप ईमेल पे कॉल के लिए सेंड मेथड, दैट्स इट। ये मेथड क्या करेगा, आपका मैसेज सेंड कर देगा। बट यहाँ पे प्रोग्राम चलाने से पहले एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है, आप अपना गूगल अकाउंट ओपन कर लीजिए, यहाँ पे एक सेटिंग है इसको ऑन करनी होगी, और यहाँ पे आप सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए जीमेल से, और यहाँ पे टाइप करिए accounts.google.com, इसको ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे टाइप करिए लेस सिक्योर एप्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ये ऑन करना है ये बटन, तभी आपका ईमेल आपकी ऐप से जाएगा। तो हमने यहाँ पे अपने ऐप में ऑन कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे और अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। जैसे प्रोग्राम को चलाएंगे तो आपका ईमेल सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ईमेल सेंड हो गया, अब ईमेल आगे होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम जीमेल को यूज करके एक सिंपल सा मैसेज भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू।